ओम शांति। मुरली का तारीख है 1/6/2019। मीठे बच्चे, लक्ष्य को सदा सामने रखो तो दैवी गुण आते जाएंगे। अब अपनी संभाल करनी है, असुरी गुणों को निकाल, दैवी गुण धारण करने हैं। प्रश्न, आयुष्मान बहु का वरदान मिलते हुए भी बड़ी आयु के लिए कौन सी मेहनत करनी है? उत्तर, बड़ी आयु के लिए तमो प्रदान से सतो प्रदान बनने की मेहनत करो। जितना बाप को याद करेंगे उतना सतो प्रदान बनेंगे और आयु बड़ी होगी, फिर मृत्यु का डर निकल जाएगा। याद से दुख दूर हो जाएंगे, तुम फूल बन जाएंगे। याद में ही गुप्त कमाई है, याद से पाप कट जाते हैं, आत्मा हल्की हो जाती है, आयु बड़ी हो जाती है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप समझा रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? मीठे बच्चों, तुमको एक तो आयु बड़ी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। 150 वर्ष की आयु थी, बड़ी आयु कैसे मिलती है? तमो प्रदान से सतो प्रदान बनने से। जब तुम सतो प्रदान थे तो तुम्हारी आयु बहुत बड़ी थी। अब तुम ऊपर चढ़ रहे हो, जानते हो हम तमो प्रदान बन गए हैं, तो हमारी आयु छोटी हो गई है। हम जब तमो प्रदान बन जाते हैं तो हमारी आयु छोटी हो जाती है। तंदुरुस्ती भी ठीक नहीं थी, हमारी आयु भी छोटी हो गई थी। बिल्कुल ही रोगी बन गए थे, या जीवन पुरानी है, नई से बेंट की जाती है। अभी तुम जानते हो बाप हमको बड़ी आयु बनाने की युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करोगे तो तुम जैसे सतो प्रदान थे, बड़ी आयु वाले तंदुरुस्त थे, ऐसे फिर से बन जाओगे। आयु छोटी होने से मरने का डर रहता है। तुमको तो गारंटी मिलती है कि सत्युग में ऐसे अचानक कभी मरेंगे नहीं। बाप को याद करते रहेंगे तो आयु बड़ी होगी और सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई भी किसी का दुख दूर नहीं कर सकता सिवाय एक बाप के। सत्युग में कोई भी किस्म का दुख नहीं होगा। और तुमको क्या चाहिए? तुम कहते हो ऊंच पदवी चाहिए। तुमको मालूम नहीं था कि ऐसा पदवी मिल सकता है। अब बाप युक्ति बताते हैं, ऐसा करो, एम ऑब्जेक्ट सामने है, तुम ऐसा पद पा सकते हो। यहाँ ही दैवी गुण धारण करना है, अपने से पूछना है हमारे में कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण भी अनेक प्रकार के हैं, सिगरेट पीना, चीची चीजें खाना, या अवगुण है। सबसे बड़ा अवगुण है विकार का, जिसको ही बैड कैरेक्टर कहते हैं। बाप कहते हैं तुम विशेष बन गए हो, अब वैश्लेष बनने की तुमको युक्ति बताते हैं। इसमें इन विकारों को अवगुणों को छोड़ देना है, कभी भी विशेष नहीं बनना है। इस जन्म में जो सुधरेंगे तो वहां सुधार
21 जन्मों तक चलता है। सबसे जरूरी बात है वॉइसलेस बनना। जन्म जन्मांतर का जो बोझ सिर पर चढ़ा हुआ है वह योग बल से ही उतरेगा। बच्चे जानते हैं जन्म जन्मांतर हम विश्वस बने। अभी बाप से हम प्रतिज्ञा करते हैं कि फिर कभी विश्वस नहीं बनेंगे। बाप ने कहा है अगर पतित बने तो 100 गुना दंड भी काना पड़ेगा और फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि निंदा कराई ना तो गोया उस तरफ चला गया, विश्वस मनुष्यों की तरफ चला गया। ऐसे बहुत चले जाते हैं अर्थात हार का लेते हैं। आगे तुमको पता नहीं ताकि या दंदा विकार का नहीं करना चाहिए। कोई कोई अच्छे बच्चे होते हैं, कहते हैं हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे, सन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है। पवित्र और अपवित्र, दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। पाकाने में जाना भी अपवित्र बनना है, इसीलिए फौरन स्नान करना चाहिए। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसी को दुख देना, लड़ना झगड़ना भी अपवित्र कर्तव्य है। बाप कहते हैं जन्म जन्मांतर तो तुमने पाप किया, वहां सब आदतें अब मिटानी है। अभी तुमको सच्चा सच्चा महान आत्मा बनना है। सच्चे सच्चे महान आत्मा तो या लक्ष्मी नारायण ही है, और कोई तो यहां बनना सके क्योंकि सब तमो प्रदान है। ग्लानी भी बहुत करते हैं ना, उनको पता नहीं पड़ता कि हम क्या करते हैं। एक होते हैं गुप्त पाप, दूसरे प्रत्यक्ष पाप भी होते हैं। या है ही तमो प्रदान दुनिया, बच्चे जानते हैं। बाप हमको अभी समझदार बना रहे हैं, इसीलिए उनको सब याद करते हैं। सबसे अच्छी समझ तुमको मिलती है कि पावन बनना है और फिर गुण भी चाहिए। देवताओं के आगे जो तुम महिमा गाते आए हो, अभी ऐसा तुमको बनना है। बाप समझाते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम कितने मीठे मीठे गुलगुल फूलते फिर कांटे बन पड़े हो। अब बाप को याद करो तो याद से तुम्हारी आयु बड़ी होगी, पाप भी भस्म होंगे, सिर से बोझा हल्का होगा। अपनी संभाल करनी है। हमारे में क्या क्या अवगुण है वहां निकालने हैं। जैसे नारद का मिसाल है, उनको कहा तुम लायक हो, उसने कहा कि बरोबर हम लायक नहीं है। बाप तुमको ऊंच बनाते हैं। बाप के तुम बच्चे हो ना, जैसे कोई का बाप महाराजा होता है तो कहेंगे ना हमारा बाप महाराजा है। बाबा बहुत सुख देने वाला है। जो अच्छे स्वभाव के महाराजा होते हैं उनको कभी क्रोध नहीं आता है। अभी तो आहिस्ते आहिस्ते सबकी कलाएं उतरती गई है, सभी अवगुण प्रवेश करते गए हैं, कला कमती होती गई है, तमो होते गए हैं। तमो प्रदान की भी जैसे अंत आकर हुई है, कितना दुखी हो पड़े हैं, तुमको कितना सहन करना पड़ता है। अभी अविनाशी सर्जन द्वारा तुम्हारी दवाई हो रही है।
बाप कहते हैं यहाँ पांच विकार तो गड़ी गड़ी तुमको सताएंगे, तुम जितना पुरुषार्थ करेंगे बाप को याद करने का, उतना माया तुमको नीचे गिराने की कोशिश करती है। तुम्हारी अवस्था ऐसी मजबूत होनी चाहिए जो कोई माया का तूफान हिला ना सके। रावण कोई और चीज नहीं है, वहां कोई मनुष्य नहीं है। पांच विकारों रूपी रावण को ही माया कह जाता है। असुरी रावण संप्रदाय तुमको पहचानते ही नहीं है कि आखिरी में यहाँ है कौन, यहाँ बीके क्या समझाते हैं। रियलिटी में कोई नहीं जानते यहाँ बीके क्यों कहलाते हैं, ब्रह्मा किसकी संतान है। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमको वापिस घर जाना है। यहाँ बाप बैठ तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं। आयुष्मान भव धनवान भव, तुम्हारी सब कामनाएं पूरी करते वरदान देते हैं, परंतु सिर्फ वरदान से कोई काम नहीं होता, मेहनत करनी है, हर एक बात समझने की है। अपने को राज तिलक देने के अधिकारी बनना है। बाप अधिकारी बनाते हैं, तुम बच्चों को शिक्षा देते हैं, ऐसे ऐसे करो। पहले नंबर की शिक्षा देते हैं, मामेकम याद करो। मनुष्य याद नहीं करते हैं क्योंकि वहां जानते ही नहीं, तो याद भी रांग है। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी, फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे। शिव के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं। तुम पूछो उनका ऑक्यूपेशन बताओ तो कहेंगे भगवान सर्वव्यापी है। पूजा करते हैं, उनसे रहम मांगते हैं। मांगते हुए फिर कोई पूछता परमात्मा कहा है तो कहते सर्वव्यापी है। चित्र के सम्मुख क्या करते हैं, और फिर चित्र सम्मुख नहीं तो कला काया ही चट हो जाती है। भक्ति में कितनी भूले करते हैं, फिर भी भक्ति से कितना प्यार है। कृष्ण के लिए कितना निर्जल आदि करते हैं। यहां तुम पढ़ रहे हो और वहां भक्त लोग क्या क्या करते हैं, तुमको अभी हंसी आती है। ड्रामा अनुसार भक्ति करते कदम नीचे उतरते आए, ऊपर तो कोई चढ़ ना सके। अभी यहाँ है पुरुषोत्तम संगम युग, जिसका कोई को पता नहीं है। अभी तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। टीचर स्टूडेंट का सर्वेंट होता है ना, स्टूडेंट की सर्विस करते हैं। गवर्नमेंट सर्वेंट है। बाप भी कहते हैं सेवा करता हूं, तुमको पढ़ाता भी हूं। सभी आत्माओं का बाप है। टीचर भी बनते हैं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का भी सुनाते हैं। या ज्ञान और कोई मनुष्यों में हो ना सके, कोई सिखला ना सके। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि हम यहाँ बने। दुनिया में मनुष्य कितने तमो प्रदान बुद्धि है, बहुत खौफनाक दुनिया है। जो मनुष्यों को नहीं करना चाहिए वहां करते हैं। कितना खून डाका आदि लगाते हैं, क्या नहीं करते हैं। 100% तमो प्रदान है। अभी तुम फिर 100% सतो प्रदान बन रहे हो। उसके लिए युक्ति बताई है याद की यात्रा। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, बाप से जाकर मिलेंगे। भगवान बाप आते कैसे हैं, यहां भी तुम अभी समझते हो।
इस रथ में आए हैं, ब्रह्मा के थ्रू सुनाते हैं, जो फिर तुम धारण कर औरों को सुनाते हो, तो दिल होती है डायरेक्ट सुने, बाप के परिवार में जाए, यहाँ बाप भी है, माँ भी है, बच्चे भी हैं, परिवार में आ जाते हैं। वहां तो दुनिया ही असुरी है, तो असुरी परिवार से तुम तंग हो जाते हो, इसीलिए धंधा आदि छोड़कर बाबा के पास रिफ्रेश होने आते हो। यहाँ रहते भी है ब्राह्मण, तो इस परिवार में आकर बैठते हो, घर में जाएंगे तो फिर ऐसा परिवार नहीं होगा, वहां तो देहदारी हो जाते। उस गोरख धंधे से निकल तुम यहां आते हो। अब बाप कहते हैं, देह के सब संबंध छोड़ो, खुशबूदार फूल बनना है, फूल में खुशबू होती है, सब उठाकर खुशबू लेते हैं, अक के फूल को नहीं उठाएंगे, तो फूल बनने के लिए पुरुषार्थ करना है, इसीलिए बाबा भी फूल ले आते हैं, ऐसा बनना है, घर गृहस्थ में रहते, एक बाप को याद करना है, तुम जानते हो, यहाँ देह के संबंधित कलास हो जाने हैं, तुम यहाँ गुप्त कमाई कर रहे हो, तुमको शरीर छोड़ना है, कमाई करके और बहुत खुशी से हर्षित मुख हो शरीर छोड़ना है, घूमते फिरते भी बाप की याद में रहो, तो तुमको कभी थकावट नहीं होगी, बाप की याद में अशरीरी हो, कितना भी चक्कर लगाओ, बल यहां से नीचे अबू रोड तक चले जाओ, तो भी थकावट नहीं होगी, पाप कट जाएंगे, हल्के हो जाएंगे, तुम बच्चों को कितना फायदा होता है, और कोई तो जान ना सके, सारी दुनिया के मनुष्य पुकारते हैं, पतित पावन आकर पावन बनाओ, फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे, पतित को फिर माता तोड़े ही टेका जाता है, माता पावन के आगे झुकाया जाता है, कन्या मिसाल जब विकारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती है और फिर पुकारती है, हे पतित पावन आओ, अरे पतित बने ही क्यों जो पुकारना पड़े, सबके शरीर तो विकार से ही पैदा हुए है ना, क्योंकि रावण राज्य है, अभी तुम रावण से निकल आए हो, इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग, अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो रावण राज्य से राम राज्य में जाने के लिए, सत्युग है राम राज्य, सिर्फ त्रेता में राम राज्य कहे तो फिर सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य कहाँ गया, तो यह सब ज्ञान अभी तुम बच्चों को मिल रहा है, नए नए भी आते हैं जिनको तुम ज्ञान देते हो, लायक बनाते हो, कोई का संग ऐसा मिलता है जो फिर लायक से नालायक बन पड़ते हैं, बाप पावन बनाते हैं, तो अब पतित बनना ही नहीं है, जबकि बाप आया है पावन बनाने, माया ऐसी जबरदस्त है जो पतित बना देती है, हरा देती है, कहते हैं बाबा रक्षा करो, वहां लड़ाई के मैदान में ढेर मरते हैं, फिर रक्षा की जाती है क्या, या माया की गोली बंदूक की गोली से भी बहुत कड़ी है, काम की चोट काई गोया ऊपर से गिरे, सत्युग में सब पवित्र गृहस्थ धर्म वाले होते हैं, जिनको देवता कहा जाता है, अभी तुम जानते हो बाप कैसे आए हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे आकर राजयोग सिखाते हैं,
दिखलाते हैं, अर्जुन के रथ पर बैठ ज्ञान दिया, फिर उनको सर्वव्यापी क्यों कहते? बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उन्हें ही भूल गए, अभी वहां स्वयं अपना परिचय देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, महान आत्मा बनने के लिए अपवित्रता की जो भी गंदी आदतें हैं वह मिटा देनी है। दुख देना, लड़ना झगड़ना यह सब अपवित्र कर्तव्य है जो तुम्हें नहीं करने हैं। अपने आप को राज तिलक देने का अधिकारी बनाना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धि को सब गोरख दंदों से देहदारियों से निकाल खुशबूदार फूल बनना है। गुप्त कमाई जमा करने के लिए चलते फिरते अशरीरी रहने का अभ्यास करना है। वरदान, बेहद की दृष्टि रुत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता बवा। फरिश्ते सभी को बहुत प्यारे लगते हैं क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। बेहद की दृष्टि रुत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा संदेश वाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, देह और देह के संबंध से न्यारा, स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी, ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं। स्लोगन, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। अच्छा, ओम शांति।